जहांगीरपुरी के भलसवा गांव में आज दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्यारों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है और ये घटना दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास उस समय अंजाम दी गई जब गांव के ही एक मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर भंडारे का आयोजन किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पर बताया जा रहा है कि बिजेंद्र यादव, जिनकी उम्र 50 साल की थी, वो यहाँ भंडारे का प्रसाद खा रहे थे, तभी अचानक से 3 से 4 की संख्या में लोग यहां पर आते हैं और नज़दीक से उनको गोली मारते हैं। बताया जा रहा है कि कुल 6 राउंड गोली चलाई गई थी, जिसमें से 5 गोली बिजेंद्र यादव के लगी है। और ये सामने आप जो गली देख रहे हैं पतली, इसी में दाहिने हाथ पर वो मंदिर है जहां पर शिवलिंग की स्थापना आज की गई थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मंदिर का जो शिवलिंग था वो खंडित हो गया था और उसके बाद जो है यहाँ पर आज उस मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिसके आयोजन में जो है भंडारा भी रखा गया था। पुलिस का ये कहना है कि बिजेंद्र यादव पर भी 10 आपराधिक मामले दर्ज थे और वो शालीमार बाग थाने के जो है BC थे। और इसके अलावा पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में जो शामिल हैं लोग, उनकी पहचान कर ली गई है, वो भी कहीं ना कहीं बिजेंद्र यादव के परिचित बताए जा रहे हैं। पुलिस को CCTV फुटेज भी मिली है जिसमें जो हमलावर हैं वो नज़र आ रहे हैं और पुलिस का कहना है कि उन्हीं फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की गई है और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खून के भी धब्बे आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पुलिस का कहना है कि ये मामला जो है रंजिश का लग रहा है और रंजिश के पीछे का क्या कारण है वो अभी जाँच जारी है। पुलिस यही कह रही है कि जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम इस समय भलसवा गांव में मौजूद हैं और आप जो पीछे घर देख रहे हैं ये बिजेंद्र यादव का पैतृक घर है। और आपको बता दें कि इस समय यहां पर आप देख सकते हैं कि शोक व्याप्त है। जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं क्योंकि आज दोपहर में बिजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये आप सामने देख सकते हैं, बिजेंद्र यादव जो है समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे थे और वो आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए थे। वो बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल की जो समिति होती है, रोग कल्याण समिति, उसके सदस्य भी थे। और यहाँ पर जो उनके परिजन हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या जानकारी अभी तक मिली है। सर, क्या नाम है आपका? महेश यादव। महेश जी, आप बिजेंद्र जी के क्या हैं? भाई। तो कुछ बता पाएंगे, आज दोपहर में कितने बजे आपको सूचना मिली, क्या हुआ था? करीब 3 बजे के पास मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई आपके भाई को ऐसे ऐसे गोली मार दी गई है। गांव में एक भंडारा था, शिव परिवार की स्थापना करी थी, भंडारे के अंदर गए हुए थे, वहां पे गोली मार दी गई है। कौन लोग थे, कोई पहचान हो पाई है? नहीं, हम तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो पुलिस के अंदरूनी सूत्रों से पता लगा है, भरत सिंह और उसका भाई संजू। भरत सिंह और उसका भाई संजू, ये दोनों वहाँ पे थे, उसमें मर्डर में थे। तो ये दोनों क्या इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले हैं, यादव बेकरी वाले हैं, इसी गांव के रहने वाले। और सर, आपका क्या नाम है? जी, मैं अशोक यादव। आप कौन लगते हैं सर विजेंद्र? वे मेरे चाचा के लड़के थे, विजेंद्र जी। हाँ जी। तो ये जो सर दो नाम आए हैं सामने जो हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं, उनको आप जानते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल जानते हैं जी, यादव बेकरी वाले हैं। हाँ, इसी गाँव के ही, इसी गाँव के रहने वाले हैं। और आज जो ये घटना हुई है, ये राशन दफ्तर के सामने जो भंडारा चल रहा था तो उसमें हुई है। ये क्या वजह हो सकती है सर? कोई पुराना कोई झगड़ा रहा है या कोई और बात, किसी बात को लेकर विवाद हो? क्योंकि बताया जा रहा है बिजेंद्र जी जो है प्रॉपर्टी डीलिंग भी करते थे, कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई ऐसा विवाद? नहीं, ऐसा हमें कभी ना भाई साहब ने कभी बताया, ना हमारे संज्ञान में आया है। हाँ जी। तो आज जो मैं तो ये कहता हूँ, प्रशासन भी इसमें कमज़ोर नज़र आ रहा है कि गांव में 6-6 गोलियां चली और अभी तक कोई उन जो भी ये इसमें इन्वॉल्व थे कोई पकड़ा नहीं गया है। गांव में पहली बार 6 गोलियां चली है और अब तक तो प्रशासन ने उनको पकड़ना चाहिए था, उनके मेंबरों को, उनके परिवार वालों को जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, जबकि सब स्पष्ट हो गया है, कैमरे में भी आ रहा है, पुलिस वालों ने भी देखा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ये लापरवाही है। तो और हमारी जो भाभी है उनको भी परेशान किया जा रहा है, वो थाने में। हाँ जी, मतलब घटना के बाद से उनको, घटना के बाद से 3-4 घंटे हो गए वो वहीं पे हैं जी। अगर ऐसे ही चला तो हम भी कुछ ना कुछ अगला कदम हम भी उठाएंगे, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हमारा भाई गया है,
हमारी भाभी का हस्बैंड की वाइफ हस्बैंड की जो डेथ हुई है, तो वो दर्द वो ही सहन सकता है। हमारे भाई का दर्द हम सहन सकते हैं और उनका दर्द जो विजेंद्र जी की वाइफ है वो समझ सकती है, एक बहन का जो भाई गया वो समझ सकते हैं इनको। तो हमारा पूरा खानदान जो है इस टाइम दुख की घड़ी को इस समय झेल रहा है। सर, विजेंद्र जी के परिवार में कौन कौन है? देखो, हमारे विजेंद्र जी के परिवार में दो बेटियां हैं। हाँ जी, तो दोनों अभी पढ़ रही हैं? नहीं, एक बेटी की शादी हो गई है, एक अभी पढ़ रही है। और सर, जो ये नाम दो बताए हैं, भरत और सोनू, क्या इनसे संजू, भरत और संजू जो दो नाम बताए हैं, इनसे कभी कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा? मेरे को कभी इस चीज़ का मालूम नहीं हुआ। हो सकता है कोई विवाद हो, लेकिन मेरे सामने नहीं आया कोई भी विवाद। हाँ जी, आप बात कर पाएंगे आप सर? तो ये आपने सुना, ये विजेंद्र जी के कज़न ब्रदर हैं। आप सर कुछ इस घटना के बारे में बता पाएंगे? मेरा नाम रवि यादव है सर। अब जब से घटना हुई है, हमारे परिवार को ही टॉर्चर कर रहे हैं पुलिस वाले। उनको इंटरोगेट करने की बजाय हमारे ऊपर ही टॉर्चर कर रहे हैं। हमारी भाभी को जब से वहाँ से आए हैं हॉस्पिटल से, उनको इंटरोगेट कर रहे हैं और उनके रिलेटिव हैं दो, उनको भी बैठा रखा है। जी सर, पुलिस हेल्प की जगह है और हमारा वो कर रही है शोषण। बाकी कोई कारण अभी तक नहीं बताया? नहीं सर, कोई भी कारण नहीं आया अभी तक, कारण भी नहीं बताया, ना कोई पकड़ा गया अभी तक। या सर, विजेंद्र जी ने कभी कोई ऐसी बात बताई हो जो दो नाम बता रहे हैं आप लोग कि उनके साथ? पहले ना, ये जो भरत नाम बोल रहे हैं, भरत और संजू और एक संदीप पवार है, इन्होंने मोबाइल पे ना वायरल हुआ था इनका वॉइस मैसेज के भाई के लिए कि भाई हम मार देंगे तेरे को जल्दी। अच्छा। अब वो पुलिस वालों के पास हुए, पर पुलिस वाले उसको कोई गहराई से नहीं ले रहे। उसको लेकर क्या विजेंद्र जी की तरफ से कोई शिकायत दी गई थी पुलिस? नहीं सर, वो इतना सोच ही नहीं रहे थे कि बच्चे हैं उनके सामने। तो हाँ जी, वो उनकी एज ही कुल 25-24 साल है और भाई की एज 50 के करीब हो रही है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये कभी ऐसा कर देंगे। और किस वजह से उन्होंने वॉइस मैसेज जो है वायरल करा था कोई? ये अभी तक कुछ पता नहीं चला है इस चीज़ का, क्योंकि पुलिस ने ये भी बताया कि विजेंद्र जी के ऊपर भी कुछ मामले दर्ज थे, आपराधिक मामले। क्या काफ़ी टाइम हो चुका अब तो, वो पिछले 7-8 साल से सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व थे और बहुत अच्छी छवि रही है उनकी 7-8 साल में। क्या आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए? जी सर, वो आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद की भी टिकट मांग रहे थे। तो ये आपने सुना, परिजनों का ये कहना है कि फिलहाल जो है पुलिस आरोपियों की बजाय जो विजेंद्र जी की पत्नी है उनसे ही पूछताछ कर रही है, उन्हीं को अभी थाने में रखा हुआ है। और इसके अलावा कारण अभी तक किसी को स्पष्ट नहीं है कि आखिर ये हत्या क्यों की गई है। एक बात बस ये सामने ज़रूर आई है कि कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे कोई वॉइस मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें जो आरोपियों के नाम जो बताए गए हैं परिवार द्वारा, उन्होंने ये धमकी दी थी कि वो विजेंद्र यादव को मार देंगे। लेकिन इसके पीछे की वजह उसमें भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं वो उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अभिषेक रावत, ABP News, दिल्ली।